यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। महाराजगंज जनपद के स्थानीय नगर में पुलिस बूथ से महज 500 मीटर की दूरी पर तो ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में कानून व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर गेट पर बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाश आते हैं और स्वर्ण व्यवसायी को ताबड़तोड़ गोलियों से भून देते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पुलिस के नाक के नीचे हुई घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाश स्वर्ण व्यवसायी संजय वर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियों से प्रहार कर रहे हैं। व्यवसायी को गोली लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने 5 टीमों का गठन भी किया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आती हैं उन पर पुलिस प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आती है। कहना यही होता है कि जांच जारी है, लेकिन ये तो देखिए कि यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंदियों पर है। ये तस्वीरें ऐसे जगह की है जहाँ पर लोगों का आना जाना है, कोई सुनसान नहीं है। तस्वीरों में लोग दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज या पुलिस के कार्यप्रणाली की पोल खोलती हैं। यहाँ पर बदमाश आते हैं, हाथों में पिस्तौल होती है, उसके बाद गोलियां चला भी देते हैं और आराम से बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं कानून को ठेंगा दिखाते हुए। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहाँ पर सरे रहा इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। देखिए किस तरह से पिस्तौल हाथ में लिए और फायर करते हुए ये बदमाश दिखाई दे रहे हैं और गोली भी मारी है और वो बेबस लाचार नजर आता है पीड़ित, जिसके बाद जब ये आरोपी फरार हो जाते हैं तो लोगों ने घायल की मदद जरूर की।